जय श्री राम दोस्तों, हम आपके लिए आज एक नया ब्लॉग ला रहे हैं क्योंकि हम फिर से आ चुके हैं गांव। तो गांव में हमारे यहां धान कट चुका है, खेत में बैठे हुए हैं। तो धान काट के सब कुछ बंधा हुआ था, उसको दिखाएंगे किस तरह हम सब इकट्ठा करेंगे और मशीन आएगी, किस तरह उसको मशीन में डालकर दाया जाएगा, किस तरह चावल को अलग निकाला जाएगा जो कि यहाँ पर धान की खेती की गई थी। सब कुछ तो हो गया, बस अभी यहाँ पर सब कुछ बंध के छोड़ दिया गया खेत में। तो उसको दिखाएंगे किस तरह हम कार्य करेंगे, खेत में इकट्ठा करेंगे उसको, फिर उसके बाद मशीन आएगी, किस तरह उसको हम किस प्रकार मशीन में डालेंगे, चावल अलग निकलेगा। हम उसको पूरे ब्लॉग में यही दिखाएंगे किस तरह गांव में खेती की गई है हमारे और किस तरह हम अपना चावल इकट्ठा करने के लिए सब कुछ करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है सब कुछ इकट्ठा करने में। इसकी तो पहले पिटाई की जाती थी तो गाय भैंस होते थे उसको खाने के लिए, पैरा इसको निकाला अलग जाता था, क्योंकि गाय भैंस तो है नहीं यहाँ पर हमारे यहाँ, तो हम इसको क्या करेंगे पैरा लेके, इसलिए मशीन बुला के इसको दाया जाएगा अच्छे से, ताकि हमारा चावल अलग निकल जाए, हम अलग निकल जाए सब कुछ और हम अपना चावल लेके घर चले जाएं, क्योंकि पैरा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब घर पे कुछ है नहीं तो यूज होगा ही नहीं उसका। तो उसको दिखाएंगे किस तरह यहाँ पे पूरा कार्य किया जाएगा, क्योंकि मशीन अभी आना बाकी है। तो यहाँ पे कार्य किया जाएगा, तो यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा पहले धान को जो बांधा गया छोटे छोटे अटले में, उसको सब कुछ इकट्ठा करके रखा जाएगा ताकि मशीन आए तो उस मशीन में डाल के पूरा कार्य किया जाए, ताकि मशीन आने के बाद मशीन खड़ी ना रहे, क्योंकि मशीन का भी चार्ज लगता है, घंटे के हिसाब से चलता है, जो कुछ भी घंटा हो मुझे नहीं पता है। उसको दिखाएंगे किस तरह हम यहाँ पे एक एक अटले को ले जाके इकट्ठा करेंगे, क्योंकि बड़ा सा इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि मशीन इकट्ठा लग जाए, क्योंकि अगर खेत भर में चितराया रहेगा तो मशीन दौड़ दौड़ के दाएंगी नहीं, इसलिए इकट्ठा करना पड़ेगा उसको। हम पूरा इकट्ठा करके उसको रखेंगे, फिर मशीन आएगी हमारी, फिर उसको मशीन में डाला जाएगा, तो उसको दिखाएँगे हम किस तरह डाल के निकाला जाएगा चावल, क्योंकि काफ़ी मेहनत का काम है, अभी मशीन आई भी नहीं है। फ़ोन किया गया था तो उसने बोला अभी एक डेढ़ घंटे बाद आएंगे, तब तो हम और हमारे मामा गांव में इकट्ठा कर रहे थे इसको, तो हम उसको दिखाते चलेंगे किस प्रकार इकट्ठा करते हैं, किस प्रकार मशीन आती है, तो उसको दाया जाएगा। पूरे ब्लॉग में आपको दिखाते हुए चलेंगे। बहुत ही ज़्यादा कड़ी धूप हो रही है, देखिए कितनी तेज़ धूप है, इस धूप में काम करना तो बहुत कठिन है, लेकिन क्या किया जाए, कार्य तो करना है, क्योंकि खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये देखिए हम यहाँ पे इतना इकट्ठा कर चुके हैं, पूरा खेत खाली किए हैं, अभी ये खेत बचा हुआ खाली करने के लिए, तो बैठे थे थोड़ा आराम कर रहे थे, खेत बंद हो चुका है तो पसीने से भीग चुके थे, थोड़ा आराम कर लें, उसके बाद कार्य करेंगे, दिखाएंगे किस तरह हम फिर से यहाँ से ले जाके वहाँ पे पूरा फिर इकट्ठा करेंगे। आपको अपने वीडियो में पूरा दिखाएंगे किस तरह हम एक एक अटले के ले जाके इकट्ठा करते हैं, तो आपको पूरे ब्लॉग में दिखाते हुए चलेंगे किस तरह कार्य करते हैं।
Rage on that beat, going crazy.